आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑग्जोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं ऑक्जोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन एक प्रकार का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है जिसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट का सचित्र चित्र बनाने के लिए किया जाता है जहां ऑब्जेक्ट को कई पक्षों को प्रकट करने के लिए एक या अधिकांश अक्षों के चारों तरफ घुमाया जाता है इट मीन्स Axonometric projection is a type of orthographic projection used for creating a pictorial drawing of an object where the object is rotated around one or more of its axis to reveal multiple sides. And there are three types of axonometric projection first, isometric projection, second, diametric, third, trimetric. इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं तीनों में फ़र्स्ट मैं आइसोमेट्रिक की बात करता हूँ इसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं तीनों इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं अगर ये तीन एक्सिस हैं इसके एक्स वाई एंड जेड एक्सिस तो इसमें हम देखेंगे कि इसका जो आइसोमेट्रिक व्यू में जो प्रोजेक्शन का एंगल है वो तीनों एक्सिस का जो एंगल है वो सेम है तो एक रोटेशन में कितना थ्री सिक्सटी डिग्री होता है तो वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी डिवाइड हो चुका है इसमें तो इसके एक्सिस भी सेम होंगे जब एंगल सेम है एक्सिस भी सेम होगा तो फर्स्ट केस हमारा आइसोमेट्रिक है इसमें तीनों एक्सिस सेम होंगे एंड तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे ठीक है सेकेंड है डायमेट्रिक के केस में क्या है तीन एक्सिस लीजिए एक्स वाई एंड जेड इसमें दो एंगल सेम होंगे देखिए 110, 110 और 140 तो इस केस में आपके दो एक्सिस और दो एंगल सेम होंगे प्रोजेक्शन में मतलब इक्वल होंगे थर्ड है ट्राए मेट्रिक में आपका तीन एक्सिस है एक्स वाई एंड जेड तीनों एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो डिफरेंट है यहाँ 110 डिग्री है यहाँ 130 और ये 120 डिग्री इस प्रोजेक्शन में एक भी एक्सिस नहीं इक्वल है ना ही एक भी एंगल इक्वल है तीनों डिफरेंट होते हैं और ये इसका व्यू यहाँ दिया हुआ है आइसोमेट्रिक में यहाँ देख रहे होंगे आप ये ब्लू कर रखा है ब्लू ब्लू इट मींस इसके तीनों एक्सिस इक्वल हैं यहाँ पे ट्राय में दिया है रेड ब्लू एंड ग्रीन मतलब तीनों ये एक्सिस डिफरेंट हैं सेम नहीं है इक्वल नहीं है डायमेट्रिक में दिया है दो ग्रीन कलर का एक ब्लू कलर का इसमें कहने का मतलब है इसका दो एक्सिस एंड दो एंगल सेम है तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सोनो प्रोजेक्शन क्या है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके देखें और भी टेक्निकल वीडियोस हैं वहाँ से आप ऑटो कैड भी सीख सकते हैं मैकेनिकल्स की भी और ड्राइंग्स की भी बारे में जानकारी ले सकते हैं बने रही है मेरे चैनल बी टेक इंजीनियरिंग सोलूशन के साथ